तो यार इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4D। तो काफी लोग पहले से ही काफी वंडर कर रहे होंगे कि भाई 4D चौथे डायमेंशन के बारे में बताएगा। यार हमने तो तीन ही सुने अभी तक, और साथ में टाइटल में ये भी लिख रखा है कि इंपॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस्ड। भाई एडवांस के सिलेबस में 4D कब से आ गया? तो यार हर बार टाइटल को देख के असम्पशंस नहीं बनाते। मैं आपको यहाँ पर कोई चौथे डायमेंशन की सैर नहीं कराने वाला हूँ, और ना उसकी फिजिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैथ्स का चैनल है, तो ज्यादातर हमें 4D सुन के डिस्कवरी चैनल पे वो पुरानी आने वाली वीडियोस याद आ जाती हैं जिनपे ब्रह्मांड के बारे में बताया जाता, जिसमें लाइक ऐसे करके बात करते थे, क्या पृथ्वी की तरह और भी कोई ग्रह मौजूद हो सकता है? अरे यार कमाल है। खैर एनीवे, जोक्स असाइड, मैथ्स कर रहे हैं, मजाक आ गया बीच में। तो यार इस वीडियो में अपनी बेसिक ज्योमेट्री का यूज करके, या बोलूं एलजेब्रा का यूज करके, कुछ मैनिपुलेशन करने वाला हूँ जो कि सुनने में लगता है कि हाँ यार 4D जैसी कोई चीज है ये, और सिंपल मैथ चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं 4D बहुत बताने वाला हूँ फोर्थ डायमेंशन के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपल ज्योमेट्री का यूज करूंगा और बाकी जो होने वाला होगा वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। तो यार बेसिकली हमें पहले पता चलता है एक्स इक्वल्स टू वन, ठीक है, ये लीनियर होती है, एक डायमेंशन की लाइन होती है। अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो ये भी लीनियर ही है, दो लाइन होंगी ये। हालांकि दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 2D आ गया गेम में, क्योंकि उनके बीच में एक डिस्टेंस है जो कि एक्स डिस्टेंस है और वाई में लाइन है। काफी लोगों को समझ नहीं आएगा, तो चिल मारो, कोई नहीं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये हमारा 2D प्लेन में एक सर्कल होता है। जिन लोगों को नहीं पता ये सर्कल होता है, आज जान लो यार, तो ये सर्कल होता है। अगर मैं बात करूँ एक स्पीयर के बारे में, स्पीयर लाइक हमारी बॉल होती है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको बेसिक्स नहीं आते हैं, तो मैं काफ़ी बेसिक चीज़ें बोलूंगा, सो यू कैन इग्नोर देम इफ़ यू आर अ प्रो, इफ़ यू थिंक सो आई गेस आई मेंट। एनीवे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो होती है इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये हमारी एक स्पीयर की इक्वेशन होती है। तो अगर आप देखोगे इसको, आप ड्रॉ करोगे तो ये 3D में आएगा। मैं प्लेन कैसे ड्रॉ करूँ यहाँ पे? तो मान लो यार एक स्पीयर है, ठीक है, हालांकि है ऑब्वियसली सर्कल है, 2D प्लेन में बनाया है, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बाकी स्पीयर हम सबको पता है होता क्या है। तो ये एक स्पीयर की इक्वेशन होती है और ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है। तो यार इन दोनों इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे दिमाग में आया कि मैंने सिर्फ एक जेड स्क्वायर और ऐड किया और मेरा सर्कल स्पीयर में तब्दील हो गया। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में एक और टर्म ऐड कर दूं, मेरा नाम क्या है, प्रथम नाम है मेरा, तो मैं पी ऐड कर देता हूँ, पी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कोई मेरे को एट रैंडम कोई वेरिएबल असाइन करना होता है तो मैं पी लेता हूँ, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने एक रैंडम वेरिएबल पी एक और यहाँ पे डाल दिया एडिशन में, तो ये सर्कल की इक्वेशन थी जो कि 2D था, और ये स्पीयर की इक्वेशन थी जो कि 3D था। और ये एक नई चीज बन के आई है, मैं इसे स्पीयर तो नहीं बोल सकता क्योंकि हम फिजिकली फील भी नहीं कर सकते कि चौथे डायमेंशन में ये चीज कैसी होती होगी, तो इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। पर यहाँ पर हम बेशक लिख सकते हैं 4D, क्योंकि हमने यहाँ पे चौथी क्वांटिटी ऐड कर दी है, तो एल्जेब्रिकली आप इसको 4D बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर चीजें अभी 1% भी इंटरेस्टिंग नहीं हुई है जितनी वो थोड़ी देर में होने वाली है। तो यार सीट बेल्ट बांध लो, मजा आने वाला है। तो मैं बता दूं, तो यार ये भी कुछ पुरानी ऐसी चीजों में से था जो दिमाग में एक बार स्ट्राइक कर गया था एक बार, आई डोंट नो, शायद 11th या 12th के टाइम पे, हार्डली रिमेम्बर। तो इसको स्टडी करने में काफी मजा आया था। लाइक जब हम पढ़ते हैं कि पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगी, फिर आता है एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो काफी बच्चों को लगता है यार इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आएगा, क्या मैं कुछ नई चीज इन्वेंट कर दूंगा? तो काफी लोगों को डाइट डाउट भी आता है और काफी लोगों को काफी मिस्टीरियस सा फील होता है। मैं उन लोगों में से एक, तो ऑब्वियसली से मैं बता रहा हूँ। तो यार ये जो कंसेप्ट दिमाग में स्ट्राइक किए थे ये भी उनमें से कुछ एक थे, पर ये काफी फैसिनेटिंग निकला एक इस XTVA के से। खैर एनीवे, तो सर्कल से स्पीयर तक जाते वक्त कोई ट्रेंड्स का चेंज हुआ, ठीक है, उस चेंज को हम सी मान लेते हैं, ठीक है। और स्पीयर से इस फिगर तक जाते हुए जो भी इसको बोला आप, 4D स्पीयर बोलो या जो भी बोलना है, कुछ ट्रेंड्स का चेंज हुआ उसको हम C1 मान लेते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता था उस टाइम पे जब मैं इस चीज को लाइक एक्सप्लोर कर रहा था कि मैं इस सी को चेक करूं, लाइक किस तरह ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, और उन ट्रेंड्स के चेंज के थ्रू मैं थोड़ा आइडिया ले लूं कि यहाँ पर ट्रेंड्स किस तरह से चेंज होंगे। लाइक ट्रेंड चेंज होने का मतलब ये है कि स्पीयर जो होता है और सर्कल देखने में तो लगभग एक जैसे ही होते हैं ना, नहीं एक जैसे नहीं होते ऑब्वियसली, पर स्पीयर को 2D में देखोगे तो एक सर्कल ही लगेगा। लाइक स्पीयर का कोई भी एक क्रॉस सेक्शन निकाल लो तो वो सर्कल होता है। इस तरह से ट्रेंड्स में चेंज की बात कर रहा हूँ मैं, और काफी लोगों को शायद एक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, सो यार यू कैन इग्नोर दिस वन। तो यार मैंने सोचा कि मैं इस 4D स्पीयर का ग्राफ, जो भी बोला यार 4D स्पीयर है फिर व्हाटएवर यू वांट टू, तो मैंने सोचा यार इसका ग्राफ तो मैं प्लॉट कर नहीं सकता चौथे डायमेंशन में, क्योंकि मेरे पास चौथे डायमेंशन की एक्सेस नहीं है, तो क्यों ना इसका ग्राफ मैं तीसरे डायमेंशन में प्लॉट करने की कोशिश करूं।
तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा। तो इसके बाद मैंने एक चीज़ सोची थी, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैंने सोचा क्यों ना यही चीज़ एक स्टेप पहले रिपीट की जाए। इस स्पीयर का ये चार डायमेंशन है यहाँ पे, या बोलो चार वेरिएबल्स हैं, इसको आप तीन वेरिएबल वाले सिस्टम में प्लॉट करना, तो आपको पहले आना चाहिए तीन वाले को दो में प्लॉट करना। कहने का मतलब एक नॉर्मल स्पीयर को 2D में प्लॉट करना, क्योंकि मेरे पास थ्री डायमेंशन कर वो कोऑर्डिनेट प्लेन बना सकता हूँ मैं, विजुलाइज कर सकता हूँ, और 2D भी कर सकता हूँ। तो इनके साथ ये मैनिपुलेशन करना मेरे लिए आसान रहेगा, अगर ये मैनिपुलेशंस पॉसिबल है जो कि मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं, जो बकवास मैं कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है, और हो सकता है जो मैं बातें करूँ कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोगों को नॉन सेंसिकल लगे, बट हाँ फैसिनेटिंग ज़रूर है, और लॉजिक या कॉम्प्लेक्सिटी बोल लो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ऐसे करके मान लिया x² + y² + z² = 10² कोई भी मान लो r की वैल्यू, कोई भी एक एट रैंडम मैंने असाइन कर ली, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को ये प्लॉट करना है, ये मेरा xy प्लेन है, ये मेरा x है और ये मेरा y है। मेरे को z नहीं मिला है अभी, z हो सकता है ऑब्वियसली कुछ भी, z एग्जिस्ट कर रहा है, पर मुझे xy प्लेन में ही देखना है। और ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ग्राफिकली देखोगे तो इस चीज़ को आप प्लॉट कर सकते हो, पर मैं एल्जेब्रिकली करूंगा क्योंकि मुझे एल्जेब्रिकल मैनिपुलेशन के साथ ही खेलना है, क्योंकि मेरे पास चौथे डायमेंशन का ग्राफ नहीं है, मुझे चौथे से तीसरे में लाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने x² + y² = 10² - z² कर दिया, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। z की वैल्यू, z जो है अपना बिलोंग्स टू 0 से 10 है, ये सबको क्लियर होना चाहिए क्योंकि सारे स्क्वायर्स ऐड हो रहे हैं। जब z की वैल्यू 10 होगी तो x और y ऑब्वियसली दोनों 0 हो जाएंगे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो z की वैल्यू 0 से लेके 10 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो ये मुझे बता रही है x² + y² = m² और m जो है उसकी वैल्यू जो है m बिलोंग्स टू या m स्क्वायर बोल लो 0 से लेके 10 स्क्वायर, ठीक है। तो z की वैल्यू के हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया चीज़ों को, काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा सबको। यहाँ पे जो अपना m है, अगर किसी को फिर भी डाउट हो, तो m की वैल्यू जो है अपनी सिंपल वही है जो लिखी हुई है 10² - z²। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो z की वैल्यू 0 से लेके 10 तक है, ठीक है। तो ये जब z 0 होगा तो इसकी 10² होगी, और z की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है पूरे की, आई मीन m की, 0 से 10 स्क्वायर तक जा रही है, प्रीटी ऑब्वियस एंड ऑब्जर्वेबल इट इज। तो अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो m की वैल्यू जो यहाँ पे 0 से 10 स्क्वायर जा रही है, तो ये वो सारे सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका जो रेडियस है वो 0 से 10 है, क्योंकि m की वैल्यू कभी 0 होगी, कभी 0.1 होगी, कभी 0.2 होगी, कभी 0.21 होगी, कुछ भी होगी, 0 से लेके 10 स्क्वायर तक होगी, इतना पता है हमें m की वैल्यू, सॉरी m स्क्वायर की। तो ये वो सारे सर्कल्स कवर कर रहा है जिनका रेडियस 0 से लेके 10 तक है। लेकिन अगर और क्लियरली समझना है तो z की वैल्यू जब 0 होगी तो ये सबसे बड़ा वाला सर्कल जो है कवर करेगा, जो कि ये वाला होगा, क्योंकि z की वैल्यू जब 0 होगी तो m की वैल्यू हमारी 10 होगी और m स्क्वायर की 10 स्क्वायर होगी। तो इसका जब हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे ऐसा होगा, फिर z की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इस पूरे की कम होती जाएगी, तो अपना सर्कल जो है छोटा होता जाएगा, रेडियस छोटा होता जाएगा, और ये छोटा होता जाएगा और ये सारे सर्कल जो है कवर कर लेगा। तो इस तरह से अगर आप प्लॉट करोगे 2D में, वैसे ग्राफिकली एकदम से ही बना सकते थे पर मैं एल्जेब्रिकली बताना चाह रहा था, तो ये एक पूरा डिस्क बन जाएगी 2D में अगर आप 3D वाले स्पीयर को प्लॉट करोगे। तो सिमिलरली मैनिपुलेशन जो है हम 4D टू 3D करेंगे। तो ये हमारा 10 रेडियस का जो है चौथे डायमेंशन में जो भी बोल लो स्पीयर या जो भी है। तो सिमिलरली यही चीज़ करूंगा मैं यहाँ पे, x² + y² + z² = 10² - p², ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फिर से देख सकते हैं यार, पी की जो वैल्यू है हमारी वो 0 से लेके 10 तक है, क्योंकि सारे स्क्वायर्स जो है यहाँ पे, पी की वैल्यू जब 10 हो जाएगी तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे, और पी की वैल्यू जब 0 है तो बाकी सारे 10 है। तो इस तरह से चीज़ें जो वेरी कर रही, पी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स का सम है, प्रीटी ऑब्वियस इट इज़ अगेन। तो अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूँ और सारी वही चीज़ें अप्लाई करूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले करी थी, मैं इसको मान लूँ x² + y² + z² = m², ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे m है, m की वैल्यू जो है m बिलोंग्स टू 0 से लेके 10 है, ठीक है। तो यार सिंपली अगर इसको मैं थ्री डायमेंशन प्लेन पे प्लॉट करूंगा, तो m की वैल्यू मैं पहले 0 लेता हूँ, पहले थ्री डायमेंशन प्लेन जो है मैं प्लॉट कर लेता हूँ। इस तरह से मान लो ये मेरी z एक्सिस है, ये x है और ये y है, ठीक है। सो व्हेन m इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट सर्कल या पॉइंट रह जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ओरिजिन पे जो होगा। फिर m की वैल्यू 0.1 होगी, फिर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो ये सारे जो स्पीयर है
कवर होते जाएंगे, कवर होते जाएंगे, कवर होते जाएंगे, और 10 रेडियस तक के सारे स्पीयर जो है यहाँ पे अपने कवर हो जाएंगे। तो ये एक सॉलिड स्पीयर बन जाएगा रेडियस 10 का। तो उस 4 डायमेंशनल स्पीयर को, जो कि मैं ऑब्वियसली 4D में प्लॉट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास चौथे डायमेंशन की कोई इमेजिनेशन नहीं है, या आप जिस भाषा में बोलना चाहें बोल सकते हैं, जो भी नहीं है। तो मैंने 4 डायमेंशनल स्पीयर को एक 3D प्लेन पे प्लॉट करने की कोशिश करी। ऑब्वियसली प्लॉट नहीं कर सकते, लाइक हमने 2D 3D स्पीयर को 2D में प्लॉट किया था, तो हमें उस स्पीयर का जो है प्रोजेक्शन मिला था, दैट वाज अ डिस्क। तो अगर आप किसी स्पीयर को ऊपर से देखोगे तो वो आपको एक ऐसा डिस्क ही दिखेगा। तो सिमिलरली जो हमारा 4D स्पीयर है, इसको हमने 3D पे प्लॉट किया है। तो मैं यही स्टार्टिंग में बात कर रहा था चेंज ऑफ ट्रेंड की, ठीक है। तो चेंज ऑफ ट्रेंड से मतलब ये है कि 3D पे जो हमने 2D को प्लॉट किया, सॉरी 2D पे जो हमने 3D को प्लॉट किया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो सिंपली 3D का 2D में प्रोजेक्शन है। तो इसी तरह ये भी जो है 4D का प्रोजेक्शन हो सकता है 3D में, एक सॉलिड स्पीयर की जो हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप चौथे डायमेंशन से देखोगे तो ये आपको एक सॉलिड स्पीयर की तरह नजर आएगा। पर बड़ी अजीब बात है, लाइक विजुअलाइज नहीं, विजुअलाइज तो चलो एल्जेब्रिकली हो जाती है पर फील नहीं होती। और इनफैक्ट इसी तरह आप चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हो पर ग्राफिकली प्लॉट नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी फैसिनेटिंग सा टॉपिक लगता है, लाइक बहुत 4D 4D सुनते आ रहे हैं, इस चीज़ को कभी फील नहीं कर पाए ढंग से। और बाकी ये बड़ी चीज़ है, ये तो मैंने सिंपल मैथ्स के थ्रू एक्सप्लेन किया एक बहुत ही अजीब सी चीज़ को। ऐसा नहीं है सिर्फ यही होता है, ये सिर्फ अपनी बेसिक मैथ्स और एलजेब्रा है। सो आई वोंट गो फर्दर, ऑब्वियसली आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड विद दिस इन फिजिक्स, ऑब्वियसली मेड बाय सम बिग गाई। तो यार बड़ा एक फन फैक्ट टाइप चीज़ हो जाती है, तो अपने आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो ये। पर ऐसा दोस्त भी मिलना बड़ा अजीब बात है, लाइक काफ़ी रेयर बात है जो इसको सुने, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही ऑप्शन ABCD टिक मारने में लगे हुए हैं, फिर से किसी कॉलेज में जाके सीखना चाहते हैं जबकि वो घर बैठ के पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। खैर एनीवे, ये टॉपिक अब लंबा चला जाएगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही था, और एक बड़े फन फैक्ट काइंड ऑफ चीज़ मेरे दिमाग में आई यहाँ पे, तो मैं अभी बता देता हूँ एक मिनट में, शायद मैं बाद में किसी वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करूँ, ठीक है। लाइक हम JEE में पढ़ते हैं कि ई की पावर X² का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है, अपने बेसिक मेथड से जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक। तो लाइक यही पुराने टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया था कि मैं क्यों ना अपना एक ऐसा इंटीग्रेशन, क्या होता है बेसिकली, एरिया कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, या सम ऑफ अ लिमिट जो भी बोल लो, अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूँ तो ये मेरे को एरिया देता है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आया था कि यार जिस तरह से जिस बंदे ने इंटीग्रेशन इन्वेंट किया होगा, न्यूटन भाई या जो भी है, तो उसने कुछ टर्म्स और कंडीशन लिए होंगे, मतलब ये मेरा फ्रेम था दिमाग का। अब तो काफ़ी चीज़ें आती हैं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ, और कॉलेज में आ जाओ तो हायर मैथ्स भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा क्या सीन था कि मैंने सोचा यार बंदे ने इंटीग्रेशन बनाया है और हमारे जनरल जो फॉर्मूला है, ट्रेंड है, सब्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ा है उससे हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा यार खुद का इंटीग्रेशन बनाया जाए जिससे क्या पता ये सॉल्व हो जाए। लाइक एक 12th क्लास के बच्चे के लिए काफ़ी बेवकूफ़ी भरी बात है जिसको काफ़ी चीज़ें नहीं आती और वो इंटीग्रेशन बनाने की बात कर रहा है, लाइक खुद का अलग तरह का इंटीग्रेशन जिससे आप एरिया निकाल सको। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं बनाने वाले ने कुछ फ्लॉ रखा होगा कि इसको हम जनरल तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा यार पहले ये समझा जाए कि जिस बंदे ने इंटीग्रेशन बनाया है कैसे बनाया है, उसके बाद उसमें कुछ पहले से मैनिपुलेशन किए जाए और एक नई फॉर्म बनाई जाए इन चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए, जिससे क्या पता मैं इसका एरिया निकाल पाऊँ। तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं वो कंक्लूजन बताऊंगा जो मैंने निकाले थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, हालांकि मैं काफ़ी तो भूल गया हूँ। बट लाइक मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था कि इंटीग्रेशन होता है क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे कैसे एरिया ऐड होता है, ये वो करके। तो ये करते वक्त काफ़ी सारे फन फैक्ट्स पता चले थे, सो आई माइट बी डिस्कसिंग देम ओवर हेयर। हालांकि चैनल काफ़ी हाई एंड ग्रोइंग है, मेरे हिसाब से कंटेंट अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो हम जनरली देखते हैं, स्पेशली इन इंडिया। हालांकि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट स्टिल इट इज़ वॉट इट इज़। तो मैं चीज़ों को उतना ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाता, एक लेवल तक कन्फाइंड रखता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता चीज़ें यहाँ पर उतनी ज़्यादा हिट या फेल पाएंगी जितनी मैं चाह रहा हूँ। तो ये सीन है यार, दैट्स ऑल फॉर नाउ, आग लगा दो।